दोस्तों, मेरा नाम है करण पार्सर और आप देख रहे हैं सूर्यांश गायका चैनल। आज हम आपको कराने वाले हैं सोशल साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और टर्म टू के बोर्ड में आने के इनके बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए इनका आरंभ करते हैं। पहला सवाल है, व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज एंड वाई आर दे इम्पोर्टेंट? आपको इसका आंसर पता हो तो अभी कमेंट करिए, पॉज करिए वीडियो और कमेंट करिए, फिर आप चेक करिएगा कि आपका आंसर सही था कि नहीं। तो व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज एंड वाई आर दे इम्पोर्टेंट? पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं और वो इम्पोर्टेंट ज़रूरी क्यों हैं? पॉलिटिकल पार्टीज अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग द सेम आइडियोलॉजी हु वर्क टुगेदर फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल एंड रिप्रेजेंट द डेमोक्रेसी। इसका मतलब है पॉलिटिकल पार्टी एक इंसान एक ग्रुप है लोगों की जिनकी विचारधारा सेम होती है और वो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज दे रिप्रेजेंट द डेमोक्रेसी। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, क्योंकि वो एक लेजिस्लेटिव के अंदर आता है। लेजिस्लेटिव जो लोग हैं वो पॉलिटिक वो लॉज बनाते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पॉलिसीज़ बनाती हैं और वो सपोर्ट, मतलब जैसे कि उन्होंने एक पॉलिसी बना दी तो वो उसको सपोर्ट करेंगे और अपोजिशन पार्टी जो होगी वो उसको अपोज करेगी। तो पॉलिटिकल पार्टी का बहुत बड़ा की है। और दूसरा सवाल है, व्हाट आर द फोर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एंड रिलीज बाय द इंडस्ट्रीज एंड व्हाट आर द वेज टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन? इसका भी आपको आंसर पता हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका आंसर है, इंडस्ट्रीज से चार टाइप के पॉल्यूशन निकलते हैं, चार, एयर, वाटर, थर्मल एंड नॉइज़। एयर पॉल्यूशन मतलब कि जो हार्मफुल गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारी ऐसे गैसेस निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऐसी बहुत सारी गैसेस जो इमिट होती हैं फैक्ट्री से, जैसे कि सबसे ज़्यादा होती हैं पेपर, ग्लास, मेटल, इन सबसे, और केमिकल इंडस्ट्रीज़ भी। तो ये होता है एयर पोल्यूशन, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। और फिर आता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का मतलब होता है जब हम, मतलब जो फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ रिवर के पास अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं और उनको वाटर को यूज़ करते हैं उस रिवर के, उसके बाद जो वाटर जो यूज़ हो जाता है अब इंडस्ट्री के अंदर उसको वापस से पानी में फेंक देते हैं रिवर में। और वो पानी बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑयल होता है, पार्टिकल्स, मेटल पार्टिकल्स और एक्सेट्रा, तो इससे एक्वाटिक लाइफ की बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर आता है थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन यानी कि हीट। अब हमने पानी को जो पानी इंडस्ट्री में यूज़ किया उसको फेंक दिया रिवर में, तो अब रिवर में पानी बहुत गर्म होगा जिससे एक्वाटिक लाइफ एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, वो इंडेंजर्ड हो जाएंगी, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा मर जाएंगी उसकी वजह से। फिर आता है नॉइज़ पॉल्यूशन। अब इंडस्ट्री अलग अलग टाइप की होती हैं। अब जैसे कि कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री है, अब वो अपना स्पॉन्सर और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बैनर लगा ले, मतलब वो स्पीकर पे अपने बजा रहे हैं, तो रोडों पे बहुत ज़्यादा इससे पॉल्यूशन होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन, जिससे बीपी की प्रॉब्लम होती है लोगों को और बहुत सारी अलग अलग टाइप की डिसीज़ होती है हार्ट की, और हेडेक भी होता है। और द वेज टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आर मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ वाटर एंड प्रोसेसिंग बाय रिवाइजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन टू और मोर वेज, सक्सेसिव वेज। इसका मतलब होता है कि हम जो पानी को इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज में उसके बाद एक तो वो कम करें, उसके बाद और जो पानी को इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बहुत, मतलब उसको एकदम अच्छे से रिवाइज करें, रिसाइकल करें, उसको फिर से इस्तेमाल करें, इससे बहुत अच्छा मतलब पड़ेगा। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम करें और उससे हम इंडस्ट्रीज़ की वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरी करें, जो वाटर रेन से आता है हम उसको इंडस्ट्रीज में यूज़ करें ना कि रिवर, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। फिर इंडस्ट्री से जो हॉट वाटर जो रिवर में जाता है उसको रोकें, पहले उस वाटर वाटर को सही करें, उसको ठीक करें, उसके बाद फिर उसे
रिवर या पॉन्ड में रिलीज करें। और तीन वाटर ट्रीटमेंट की एक प्रोसेस होती है जिनसे वाटर साफ हो जाता है, जो होता है फर्स्ट प्राइमरी मेथड। प्राइमरी मेथड का मतलब होता है उस वो मैकेनिकल चीज़ें, मैकेनिकल मींस कि वो जो मेटल के पार्टिकल्स, सैंड या फिर जो भी पार्टिकल्स होते हैं जो हमें विजिबल होते हैं आइस से, उनको रिमूव कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, सेडिमेंटेशन एक्सेट्रा। फिर आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसमें होता है बायोकेमिकल मेथड से, यानी कि बैक्टीरिया, पेस्टिसाइड्स या हार्मफुल जो केमिकल्स हैं पानी के अंदर वो साफ़ हो जाएंगे। फिर आता है प्राइमरी मेथड, सॉरी मतलब या प्राइमरी नहीं, टर्जरी मेथड, टर्जरी ट्रीटमेंट। और टर्जरी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि उसमें वो तीनों के तीनों साथ में होते हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल, ये तीनों के तीनों साथ में साफ होते हैं। उसके बाद जो पानी को गंदा किया गया था उसको हम साफ़ कर देते हैं पूरी तरीके से और उसको फिर से रीयूज़ करते हैं। काफ़ी इफेक्टिव है। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के लिए, जो है व्हाट इज़ WTO एंड इन विच ईयर डिड इंडिया ज्वाइन इट। WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एम है कि लिबरलाइज इन द इंटरनेशनल ट्रेड। इसका मतलब है कि वो जो पूरे विश्व में जो व्यापार चल रहा है वो उसको फ्री कर दे, यानी कि मैं यहाँ पे बैठ के किसी और कंट्री से खुले में मतलब आराम से ट्रेड कर सकता हूँ बिना कोई गवर्नमेंट या उनकी उसके कोई बैरियर के, जो कि काफ़ी सही है। और अभी इस समय टोटल 164 कंट्रीज़ इस WTO के अंदर आती हैं, 164 कंट्रीज़। और ये जो ये है WTO, ये लॉज बनाता है, रूल्स बनाता है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड, और उनको देखता है कि लोग उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और इंडिया WTO का पार्ट बना था 1995 में। तो ये होते हैं आपके तीन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और जो भी क्वेश्चंस थे उनके कमेंट करिए, और अगर कोई भी आपको सोशल साइंस का डाउट हो कोई भी कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पीस।